नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, इसी बीच पाकिस्तान की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया से पैसा मांग रहा है, लेकिन कोई उसे पैसा देने की नहीं सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को कर्ज देना मतलब डूब जाना। इसीलिए केवल चीन के अलावा पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि IMF भी पाकिस्तान को पैसा देने से पहले 100 बार सोच रहा है। इसी बीच अब पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर भारी भरकम जुर्माना लगने वाला है। जी हाँ, खाने को पहले से ही पाकिस्तान के पास नहीं है, दुनिया से वो भीख मांग रहा है। इसी बीच अब पाकिस्तान को फाइन भी भरना पड़ेगा। ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि अमेरिका एक हाँ करेगा और पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। पहले से ही बर्बादी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान किस तरीके से ये जुर्माना भरेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि ईरान ने पाकिस्तान को निश्चित तौर पर यह संदेश भेज दिया है कि अगर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में अगर आगे देरी की गई तो वो पाकिस्तान पर जुर्माना ठोक देगा, और जुर्माना भी 18 अरब डॉलर का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पाकिस्तान के पास 1800 रुपए नहीं है, वो 18 अरब डॉलर का फाइन कैसे देगा। अमेरिका की तरफ सबकी निगाहें हैं कि अमेरिका कब ईरान की हां में हां मिलाता है और ईरान कब पाकिस्तान पर ये जुर्माना ठोकता है। आपको बता दें कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में पाकिस्तान लगातार देरी कर रहा है, समय सीमा में वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पा रहा है। पाकिस्तान को इसके लिए अब 18 अरब डॉलर का जुर्माना देना पड़ सकता है और ये जुर्माना ईरान लगाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी हैं और शहबाज शरीफ सरकार टेंशन में आ गई है। गौरतलब है कि जो एक बैठक हुई है उसके तहत बताया गया है कि पाकिस्तान की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं। बैठक में बताया गया कि 325 अरब पाकिस्तानी रुपये प्राप्त हुए थे, लेकिन केवल 2 अरब रुपये खर्च किए गए। एक खबर के मुताबिक ये भी कहा गया कि जिस तरीके से फंड को बेकार किया गया पाकिस्तान की तरफ से और परियोजनाएं रोकी गई, उसके बाद से अब ईरान कोई भी नरमी नहीं बरतने वाला है, और पाकिस्तान में वो समय सीमा पर अपनी परियोजना नहीं पूरी होने पर वो उस पर जुर्माना ठोकने के लिए प्लान कर चुका है। और इसके बाद अब पाकिस्तान जिस तरीके से कंगाल होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। और वहीं पर आपको ये भी बता दें कि क्यों पाकिस्तान ने ये जो परियोजना है उसे रोका है। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी मुश्किलें हैं, और पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका से घिरा हुआ है, लगातार अमेरिका उस पर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को लेकर अपने रुख दिखा रहा है। तालिबान राज जब से आया वो पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं रहा है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ सरकार लगातार टेंशन में है, और लगातार उनकी सरकार भी समय समय पर बदल रही है, और इसी वजह से ये परियोजना पूरी नहीं हो पा रही है। बाकी आतंकवाद और भ्रष्टाचार तो पाकिस्तान के नस नस में और खून में है, इसीलिए ये परियोजना पूरी नहीं हुई, तो अब ईरान उस पर जुर्माना ठोकने के लिए प्लान कर रहा है। बहरहाल ईरान देख रहा है कि अमेरिका कब उसकी हां में हां मिलाता है और कब वो 18 अरब डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान पर ठोकता है। फिलहाल शहबाज शरीफ सरकार इस जुर्माने के बाद क्या कुछ करेंगे, ये देखना होगा।